क्लास ट्वेल्थ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिमेन ऑफ इनवॉइस, बीजक का नमूना, बीजक कैसे बनाया जाता है। इसके पिछले क्लास में आपको बताया गया था बीजक विक्रेता द्वारा बनाया जाता है, बीजक विक्रेता द्वारा बनाया जाता है माल बेचने के बाद। और इसमें सभी प्रकार के बीजक में वस्तु के सभी प्रकार के मूल्य दिखाए जाते हैं और उस मूल्य में से व्यापारिक छूट घटा दिए जाते हैं और व्यापारिक व्यय जोड़ दिए जाते हैं। बीजक में व्यापारिक छूट घटा देते हैं और व्यापारिक व्यय जोड़ देते हैं, बस यही इतना इसमें करना है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सागर प्रदर्श सतना ने निम्नलिखित सामान रितिका बांदा को बेचा। देखिए सागर प्रदर्श जो है ये सेलर है, जो सेलर होता है वही इनवॉइस को प्रिपेयर करता है और रितिका प्रदर्श जो है ये परचेजर है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कौन सेलर है कौन परचेजर, क्योंकि सेलर ही बनाता है इसको, और कौन कौन से गुड्स जो है वो सेंड किया है या सेल किया है। तो 50 ट्यूब एट द रेट ऑफ ₹35, मतलब ट्यूब थी 50 और 35 रुपए की एक थी, 1000 बल्ब थी और 65 रुपए पर 100 बल्ब थे, 300 टेबल फैन है उसका रेट है ₹640 पर फैन, एक्सपेंस किया है पैकिंग 50, फ्रेट 120, कैरेज 350, इंश्योरेंस 160, और पोस्टेज है 30, ट्रेड डिस्काउंट 27%, प्रिपेयर और इनवॉइस। एक बीजक तैयार करना है, बीजक जब तैयार करेंगे तो एक प्रोफार्मा बनाएंगे, फॉर्मेट बीजक इनवॉइस। उसके बाद बीजक बना कौन रहा है, मींस सेलर, तो सेलर का नाम या सेलर की फर्म या दुकान का नाम लिखना, सागर ब्रदर्स। फिर इसी सेलर का एड्रेस लिखना सतना, और जिस दिन आप बीजक को इनवॉइस को बना रहे हैं उसकी डेट लिखना, अथवा जो डेट दिया हो क्वेश्चन में तो डेट, आज की डेट है ये। और एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में दो चीज़ लिखेंगे, इनवॉइस नंबर, तो नंबर एच कोई दिया हो तो लिखेंगे, नहीं तो डैश कर देंगे, ऑर्डर नंबर आदेश संख्या कोई दिया हो तो लिखेंगे नहीं डैश कर देंगे। फिर लेफ्ट साइड टेलीफोन नंबर उसी सेलर का, अगर टेलीफोन नंबर दिया है तो दिखाएंगे नहीं डैश कर देंगे। ईमेल नंबर भी कोई दिया है तो दिखाएंगे नहीं तो डैश कर देंगे ये। फिर उसके बाद ये जो इनवॉइस है ये सेलर बना करके परचेजर के पास भेजता है, तो परचेजर का नाम और पता, इस क्वेश्चन में नाम पता जो दिया है वो रितिका बांदा, ये इतना एड्रेस है उसका परचेजर का, ये हो गया। फिर इसका फॉर्मेट बनाने के पहले कंडीशंस होती है, यदि कोई कंडीशन इनवॉइस में रखा गया है तो, ठीक है। तो कंडीशन में केवल कैश डिस्काउंट ऑन पेमेंट, पेमेंट पर वो कैश डिस्काउंट देगा, ऐसा इसका रेट है 3%, दिया है तो लिखना नहीं दिया तो नहीं लिखना, तो ये कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। अब इसमें जो है 5 कॉलम होते हैं,
पहला है क्वांटिटी, मात्रा। दूसरा है पर्टिकुलर, विवरण। रेट, दर, अमाउंट, रकम, ये भी अमाउंट, रकम। अब हम लोग क्वेश्चन को बेस मान करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग है वो 50 ट्यूब एट द रेट ऑफ 35। तो क्वांटिटी में दिखाएंगे 50, पर्टिकुलर में क्या चीज़ है वो, तो ट्यूब है तो ट्यूब दिखा देंगे, ट्यूब्स। और रेट है इसका 35 रुपीज़ पर ट्यूब्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, माने 50 × 35 जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट में दिखा देंगे, 1750। सेकंड है 1000 बल्ब, 65 रुपीज़ पर 100 बल्ब। तो आप दिखाएंगे इसमें 1000 बल्ब, लेकिन जो रेट बता रहा है वो 65 पर 100, मतलब 100 बल्ब का दाम 65 है, माने 65 पर सैकड़ा। तो 1000 कितने सैकड़े होंगे, 1000 upon 100, तो 10 सैकड़ा हुआ। तो जो रेट दिया है वो 65 रुपीज पर सैकड़ा दिया है, तो यहाँ 10 × 65, ये 650 यहाँ दिखाएंगे। नेक्स्ट है 300 टेबल फैन रुपीज 640 पर फैन, यहाँ दिखाएंगे 300, यहाँ दिखाएंगे फैंस। इसका जो रेट दिया है वो 640 पर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 300 × 640, 0002 91, 1,92,000 का फाइन हो गया। ये इतना है इसमें, इसको ऐड कर देंगे, अब कोई गुड्स नहीं है, ऐड कर देंगे। फोर नाइन वन, अब यहाँ दिखाएंगे लेस या घटाया, क्या घटाया, तो व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, इसका रेट है 27%। अब ये जो अमाउंट आया है टोटल सेल का, इसी का निकाल लेंगे 27%, ठीक है, निकाल लेंगे रुप में, तो ये आएगा 488। अब इसको लेस कर दीजिए, क्योंकि लेस है ये, हम लोग घटाए हैं, इसको लेस करके यहाँ अमाउंट में दिखाएंगे, तो 15। अब यहाँ प्लस करेंगे, ऐड, या जोड़ा,
व्यय, इसमें व्यापारिक छूट को घटा देते हैं, व्यय को जोड़ देते हैं। अब व्यय जो है वो जोड़ देंगे, कौन कौन से व्यय हैं, यहाँ दिया हुआ एक्सपेंसेस पैकिंग 50, तो लिखिए पैकिंग 120, कैरेज 350, इंश्योरेंस 160, पोस्टेज 30, सभी खर्चों को ऐड कर दीजिए, ये पूरा जोड़ के यहाँ दिखा दीजिए, 0, 5, 2, 7, 5, 12, 6, 18, 3, 21, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2 लगा 2, 1, 3, 3, 6, 7, 710 रुपये टोटल खर्च हुए। अब खर्च को व्यय को जोड़ देते हैं, तो इसमें 141,912 में 710 जोड़ देंगे, आएगा 2, 2, 9, 7, 16, 6, कैरी 1, 1, 1, 2, 4, और 1, ये हो गया टोटल अमाउंट योग। अब इसको यहाँ पूरी लाइन खींचेंगे, इसको यहाँ शब्दों में भी लिखेंगे, 1,40,600 22, इसी अमाउंट को यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे, वर्ड में, हो गया। लास्ट में यहाँ पे भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी, मतलब कोई भूल चूक हुआ है तो भविष्य में हम लोग लेन देन कर लेंगे। और ये जो बीजक बनाया है, बीजक कौन बनाता है, सेलर, सेलर अपना यहाँ पे नाम लिख देता है, क्या नाम है, सागर ब्रदर्स, सागर ब्रदर्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा जो इसको बनाया होगा, मान लीजिए सुधीर ब्रैकेट में साझेदार पार्टनर, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, बीजक हमेशा विक्रेता बनाता है, विक्रेता अपना नाम पता और डेट दिखाएगा, फिर अगर इनवॉइस नंबर है, ऑर्डर नंबर है तो उसको दिखाएगा, नहीं तो डैश कर देगा, इधर टेलीफोन नंबर और ईमेल, उसके बाद क्वांटिटी पर्टिकुलर रेट अमाउंट अमाउंट, तो उस रेट के हिसाब से क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेगा, और ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके और जो ट्रेड एक्सपेंसेज वगैरह हैं उनको ऐड कर देगा, जो आएगा वही अमाउंट यहाँ आंसर हो जाएगा। लास्ट में भूल चूक लेन देनी,
उसको करने में कहीं कोई भूल चूक हुआ हो तो उसको दिखाना, सागर ब्रदर्स, ठीक है। ओके थैंक यू, ये मेरा फ़ोन नंबर है इसमें। कोई प्रॉब्लम हो कॉल करके भी सॉल्व कर सकते हैं।